लेते हैं, आदिल भी लेते हैं, हाजी भी लेते हैं, जाहिल भी लेते हैं, पढ़े लिखे भी लेते हैं, सब जहेज लेते हैं और वो अपना हक समझ के लेते हैं। कहते हैं कि आलिम भी कहते हैं, बड़े बड़े आलिम उनको मैं जानता हूँ, मदवा और देवबंद और फला से फारिग हैं। जब अपने बच्चे की शादी करते हैं तो मोटरसाइकिल कम से कम ले लेते हैं और चुपके से कुछ पैसे ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, जितने भी उलमा हैं, जितने भी फारिगीन मदारिस हैं, सबसे पहले वो अमल करें, वो नमूना पेश करें, तब जाकर के आपके आवास में सदाकत होगी। अभी एक हफ्ता पहले की बात है, एक साल आए हमारे पास, कहने लगे कि मामा साहब मुसलमानी करे थे और दावत से थोड़ा आगे पड़ता। तो हमने कहा कि और कोई प्रोग्राम है या सिर्फ मुसलमानी है? तो कहते ना ढोरों बने लिए है तो वो ना बासो लेना थे हमको, लिए और कोई बादशाह की यह कर थे। तब कहते ना इनका बच्चा बीमार रहे ठीक भाग ले, हमको लिए 10 गुड़े के खेबे खेबे, हमको लिए ए लास्ट वाला में की वजह से हम जा सके थे। और तीनों वजह में से न मुसलमानी में किसी को जाना चाहिए, न बास लेने के कोई जो है रस्म रिवाज में जाना चाहिए। तो जहेज के बारे में सबसे पहले, हम अगर गलत जगह शरीक हो रहे हैं दावत में, बारात में उलमा इकराम जा रहे हैं बड़ी टीम लेकर के, तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? आप मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं किसी आलिम का, मुझे अच्छी तरह मालूम है सुनसरी जिला के दसियों उलमा का नाम मैं बता सकता हूं जिन्होंने अपने बेटे की शादी किया तो मोटरसाइकिल लिया। जहेज के खिलाफ ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो जहेज में मिले लिए। ये बतलाइए कि उस प्रोग्राम का और उस उलमा की गुफ्तगु का आवाम पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहली बात जो मैं आप हज़रात से कहना चाहता हूँ, अगर हमारे कायदीन, हमारे नेता, हमारे उलमा, हमारे हुज्जाज, हमारे गांव और समाज के सरबरान अगर वो दुरुस्त हो गए तो इंशाअल्लाह आम मतुन्नाफ यूँ ही सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और बेशुमार मिसालें हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ के चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भाई तुम्हारी जो है चेहरे पे हल्दी लगी हुई है, जो आजकल जो है क्या कहते हैं उसको, उटकन लगा हुआ है, उसकी खुशबू आई और ये सुन्नत है लगाना चाहिए, लेकिन उसके साथ जो मिलावट है वो गलत है। औरतें आती हैं और उसके बाद जो है गाना गाती है या किस्सा पढ़ती है, गीत गाती है और दूसरे के गाती है, उसमें जो है ऐसी मिलावट है जो सुन्नत को उसने जो है बिदअत करार दिया और उसको जो है गुमराही की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन जो असल हकीकत है उससे वो नापेद है। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया कि क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर बहुत निखार है, उटकन लगा हुआ है। कहा कि या रसूलल्लाह हमने शादी की है, बहुत खुश हुए, दुआ दी और उसके बाद कहा औलिम बोलो जो शादी ये वलीमा करो घर से एक बकरी से क्यों ना हो। बतलाइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुर्रहमान बिन औफ जो आश्र मुबशरीन बिल जन्नत में है, इतना बड़ा सहाबी और नबी को वो दावत नहीं दे रहे हैं कि कल हमारा निकाह है, ये बतलाइए। नबी को भी नहीं खबर हो रही है, इतनी सादगी के साथ वो शादी हो रही है, लेकिन आज हम और उम्मती चाहे लड़का वाला हो वो भी परेशान है, लड़की वाला तो छोड़िए लड़का वाला भी परेशान है कि बस आइटम होना चाहिए, इतना बारात आना चाहिए और इतना खाना अच्छा बनना चाहिए और ये होना चाहिए वो होना चाहिए, पूरी एक लिस्ट है। कर्ज लेते हैं, सूद पर पैसे उठाते हैं, नहीं तो कम से कम किसी से कर्ज ले रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, शादी इतनी आसान है, उसको हम खुद उसको जो है मुसीबत बना रहे हैं और हम जहेज की लालच से जितना भी तकरीर किया जाए वो कम है। और जहेज का जब ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, शादी जब आसान हो जाएंगी, तो हमारी वो गरीब माएँ गरीब बहनें जो अभी शादी के लिए परेशान है, जिनका लड़का नहीं मिल रहा है और जिसके पास वसाइल नहीं है, उनके लिए बड़ी आसानियां हो जाएंगी। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, हजरत मैं एक वाक़ा सुना देता हूँ कि मौलाना शहबाज साहब नदवी जो इस्लाही हैं, नदवी तो नहीं है इस्लाही हैं, आपको मालूम होगा नदवी के बहुत ही अजीम तरीन उस्ताद थे, चलता फिरता उनको उनको मदरसा कहा जाता था।
उनकी जो शादी हुई है उनका वाकया सुनाता हूँ, उन्होंने खुद बयान किया है। तो शादी के लिए जा रहे थे एक गाड़ी से, रास्ते में एक साथी का घर पड़ रहा था, सिर्फ 6 या 7 लोग जा रहे थे। कहा कि भाई रुको, एक किताब हमेशा साथ में रखते थे, किताब साथ में थी। कहा भाई बारात वाले से कि तुम लोग चलो, फला के हमारी किताब है, हम लेके आ रहे हैं। गए वो किताब लेके आए, जब तक बारात पहुंच गई तो अरे लड़का कहाँ है गुलाब भाई, कहा बस वो उसके यहाँ गया किताब लेके आ रहा फौरन। और वो बारात पहले पहुंच गई, लड़का बाद में आया, उसके बाद निकाह हुई और फौरन रुखसती हो गई। कितना क्या मसला होगा बताइए, कोई मुसीबत आ गई। मौला सलमान साहब की 2 बच्ची की शादी में मैं खुद शरीक हूँ, क्या हुआ? मौला रावे साहब जैसे शख्सियत को पता नहीं है, असर के वक्त कह रहे हैं उनसे कि हजरत मगरिब में 2 बच्ची का निकाह है, एक लड़के का निकाह है, आपको शरीक हो जाए। क्या अच्छी बात है, असर में कह रहे हैं कि मगरिब में शरीक हो जाइएगा। और मोहल्ले के जो रिश्तेदार थे उन लोगों को असर के बाद खबर किया, मगरिब की नमाज पढ़े, नमाज के बाद जो है उन्होंने निकाह पढ़ा दी और कुछ मिठाइयाँ खजूर तकसीम हो गई, रक्षा लाया, एक किराए पे घर लिए हुए, तो भागलपुर में शादी हुई है, रक्षा लाया और रक्षा पे बैठा करके होटल ले गए, वहां पे रहे, दूसरे दिन गाड़ी थी और अपने घर चले गए।